दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जल विभाग की बम्पर भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वाटर डिपार्टमेंट की ओर से इस बम्पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 11 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 तक चलेगी। यहाँ पर 1225 खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 35,400 से 112,400 है प्रति माह के लिए। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या फीस आपको किस कैटेगरी के लिए जमा करनी होगी, यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं जल विभाग भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें जूनियर इंजीनियर जेई और असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर ATO की। 1225 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। इसमें जूनियर इंजीनियर जेई के लिए 1008 वैकेंसीज है, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर ATO के लिए 217 वैकेंसीज है। दोस्तों जल विभाग के साथ साथ में यहाँ पर और भी अन्य विभागों के अंतर्गत भर्ती निकली है, जैसे कि यहाँ पर EIC पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट, पंचायती राज और साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पर 421 वैकेंसीज निकली है और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD यानी कि जल संसाधन विभाग में भी 451 वैकेंसीज निकली है। 800 से अधिक वैकेंसीज यहाँ पर जल विभाग के अंतर्गत निकली है और भी अन्य विभागों में भर्ती है, जैसे कि जो JEE की पोस्ट है EIC पब्लिक हेल्थ के लिए 101 वैकेंसीज है और JEE की जो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पोस्ट है 30 वैकेंसीज है और डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल्स के लिए एक पद है। यहाँ पर पंचायती राज ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट के लिए 421 पद है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 451 पद खाली है, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज यानी कि यहाँ पर मत्स्य विभाग फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए भी 4 वैकेंसीज निकली है। इसी तरह यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर ATO की पोस्ट है वो निकली है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर 217 वैकेंसीज निकली है। सभी पोस्ट यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है और ग्रुप बी के साथ साथ में सैलरी भी सबकी सेम रहने वाली है। लेवल 9 के अंतर्गत 35,400 से 112,400 सैलरी है प्रति माह के लिए। बात अगर यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट होगी 11 नवंबर 2022 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 दिसंबर 2022 है। सैलरी 35,400 से 112,400 है लेवल 9 के अंतर्गत। JEE पोस्ट के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो और ATO पोस्ट के लिए 10th ITI डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। एज रिलैक्सेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन से ही चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ फीस डिटेल भी आप कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन से ही चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के आधार पे। पैटर्न की कंप्लीट डिटेल्स भी हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से ही दिखाएंगे। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। OSSC.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें इसकी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन की तो आप यहां से कंप्लीट चेकआउट कर सकते हो। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2 नवंबर को ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड किया गया
गया है। कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 CTS रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जा रही है। CTS का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की डेट की अगर बात की जाए तो 11/11 से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट 10/12/2022 है। OSSC.gov.in पोर्टल से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ग्रुप बी के अंतर्गत ये सभी पोस्ट निकली है। यहाँ से आप पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज और साथ ही साथ यहाँ पर कैटेगरी और साथ ही साथ सैलरी की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर बाकी की एलिजिबिलिटी कंडीशन डिटेल की जाए तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि URSEBC SC ST टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। स्पोर्ट पर्सन के लिए भी, PWD EX सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसीज की यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे दी गई है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ ATO पोस्ट के लिए भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है और क्वालिफिकेशन की भी आपको यहाँ पर डिटेल्स दे दी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया पूरा दिया गया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग और 10th ITI से आप अप्लाई कर सकते हो ATO पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप जैसे इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको बाकी का क्राइटेरिया भी दिया गया है जो इस भर्ती से रिलेटेड रहने वाला है। जनरल टर्म एंड कंडीशंस, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की डिटेल दे दी गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग और 10th ITI से आप ATO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 38 वर्ष है। अपर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5 साल की छूट SC BC SC ST और ऑल वोमेन के लिए दी गई है और 10 साल की छूट PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर दे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप जैसे इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की डिटेल दी गई है। स्टेज फर्स्ट में जो प्री एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर 1 पेपर होगा। इसमें आप देख सकते हो अर्थमेटिक, 10th स्टैंडर्ड डाटा इंटरप्रेशन के लिए भी यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, कंप्यूटर या इंटरनेट अवेयरनेस, इसके लिए 150 टोटल मार्क्स होंगे। 150 मिनट का टाइम है। पूरा सिलेबस आप डिटेल में यहां से चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहां पर मेन एग्जाम के लिए पैटर्न दे दिया गया है। स्टेज सेकंड में मेन एग्जाम के लिए टेक्निकल पेपर होगा यहां पर। इसके लिए 200 यहां पर टोटल मार्क्स होंगे। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का टाइम इसके लिए दे दिया गया है। यहां पर स्टेज थर्ड में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका होगा। जी हां दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहां पर जांच की जाएगी। इसी तरह यहां पर आप देख सकते हो प्लेस एंड डेट रिटन एग्जामिनेशन की, जनवरी या फरवरी 2023 में इसका प्री एग्जाम हेल्ड होगा। मेन एग्जाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। यहां पर आप जैसे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिलेक्शन लिस्ट और हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, फोटोग्राफ सिग्नेचर आप कैसे और कितनी KB में अपलोड कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको ऑनलाइन करते हुए और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ले जाने होंगे। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों अगर आपको भी ये डिटेल नोटिफिकेशन की इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन 11 नवंबर को एक्टिवेट होगा लिंक। आप इस लिंक पर क्लिक करके 11 नवंबर को यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां से आपको इस भर्ती के लिए लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हां दोस्तों, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। यहां पर लॉगिन का सेक्शन दिया गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको लॉगिन करना होगा, नहीं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करते हुए रजिस्ट्रेशन करना होगा और फॉर्म फिलअप करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।